आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में बृहद रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह में सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया तथा मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गयी। इसके बाद समारोह में मतदाता सूची में हाल ही में नाम दर्ज कराने वाले युवा मतदाताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा संभाग आयुक्त अनिल सुचारी द्वारा मतदाता परिचय पत्र वितरित किया गया। वहीं समारोह में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित विभिन्न प्रतिभागियों के विजेता विद्यार्थी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM रीवा आशीष तम्रकार रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राधा टी, जिला पंचायत CEO स्वप्निल कालखेड़े, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लोकतंत्र में मतदान की बहुत अहमियत है। आप जानते हैं कि कभी कभी एक मत से सरकार गिर जाती है, एक मत से जो प्रतिनिधि होता है वह चुनाव हार जाता है। इसलिए मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए। भाग लेते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि हम स्वच्छ मतदान करें, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से प्रभावित ना हो और ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो वाकई में जाके हमारे विकास की योजना बना सके, नई नई योजना प्रस्तुत कर हमारा भी विकास करे और देश का भी विकास। आप जानते हैं कि इसी प्रक्रिया से देश का विकास सुनिश्चित होता है। मतदान हम करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार बनती है और सरकार नीतिगत निर्णय लेती है और नीतिगत निर्णय के आधार पर ही आगे देश का विकास होता है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और हम सभी को जो मताधिकार संविधान द्वारा दिया गया है उसका प्रयोग करना चाहिए और जो भी छूटे हुए लोग हैं सबको अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें जो कि आगे जाके हमारा नेतृत्व करता है, हमारे तरफ से वो अपने विकास के काम करता है, नीति तैयार करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाएं और उसके बाद ये भी सुनिश्चित करें कि जब मतदान का अवसर आए तो अपना मतदान जरूर दें। अगर आपको मतदान देने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा तो आप अपने सरकार नहीं चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं। इसलिए संविधान ने आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया है, इसका हमेशा से आप उपयोग करें और जब भी उपयोग करें तब बहुत ही धैर्य से और ये देखते हुए कि हमारा जो प्रतिनिधि है हम उसको जो अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि है उसको हम चुन के संसद में भेजें, विधानसभा में भेजें अथवा लोकतंत्र में जहाँ भी पंचायती राज है या नगरपालिका नगर निगम है वहाँ अपना प्रतिनिधि हम भिजवाएँ, जिससे कि हमारा विकास और हमारी बात वो आगे तक पहुँचा सकें। पुनः आप सभी को मैं और नागरिकों को अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ आज इस मतदाता दिवस में। धन्यवाद। सर, आज मतदाता दिवस जैसा देखा जाता है कि हर बार मतदान जब होता है तो 65-60% रहता ही है रेशियो, इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किए जाएंगे? सबसे पहले मैं आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर है ना सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हर वर्ष के पाबंदी इस बार भी इसी दिन मतलब भारत निर्वाचन आयोग का नींव रखी गई है, मतदाता दिवस के अवसर पर हम लोग इन्हें मना रहे हैं। आज रीवा जिले में भी इसका इन्हें प्रोग्राम आयोजित हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नया मतदाताओं को इन्हें जोड़ना, सो दैट मतलब इन्हें कोई भी मतदाता है ना मतदान करने से ना छूटे। आप सही कह रहे हैं कि मतलब है ना हमारी चुनावों में मतदान प्रतिशत है 60-65% है ना होता है, उसको चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार एक स्वीप का कार्यक्रम है ना लगातार है ना चलाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। और मतदाता सूची को सुदृढ़ीकरण भी है ना बहुत आवश्यकता है। अब कितने मतदाता सूची है ना मतलब है ना शुद्ध होगा उतना है ना मतदान प्रतिशत और है ना आगे बढ़ भी सकता है। दूसरा है जैसे कि ना जेंडर रेशियो है हमारा, महिलाओं के ना मतदान सूची में ना नाम है वो अभी भी है ना कम है,
अभी हम लोग ने 2% बढ़ाए हैं, 888 से 890 हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे महिलाएं के मतलब शादी होके आते हैं, मतलब उनको मतदान मतदाता सूची में तत्काल इन्हें नाम जुड़ने ना बहुत आवश्यकता है, और हमारी युवा मतदाताओं को भी नाम जुड़ने की आवश्यकता है। और ये दिन है कि हम सबको इन्हें संकल्प लेने के लिए कि मतदाता सूची को ना सुदृढ़ीकरण करें, नए मतदाताओं को जोड़े, महिला मतदाताओं को जोड़े, और मतदाता को बीच में एक जागरूकता भी लाया जाए कि वो अपना निर्भय होकर मतलब जाति समुदाय धर्म इना बिना भेदभाव का एक अच्छे व्यक्ति को इना मतलब इना चुनाव करने में हम सभी लोग इना मिलकर इना सहयोग करें, और मतदान प्रतिशत की इना भी इना कैसे बढ़ाए जाना है उसके लेकर भी इना हम लोग ने संकल्प लेके करने के लिए दिवस है। पुनः सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई।